Hi and assalamu alaikum all of you. First of all I want to say you one thing. Ek baat karna chahte hum phir ek bar aapke samne aana pada english sikhane ke liye. You know that always I send you new clips I upload and teach to all india's students. Pure india ke students ko hum sikhane ka kaam karte hain grammar. Sabse pehle hum ye batayenge. If you are part of the SBS spoken English, अगर SBS spoken के आप part है तो ये part आपको जरूर मिलेगा. चलो आज हम सीखते हैं, बड़े दिनों के बाद सबसे मिलना हुआ और एक बार सारे हमारे students को सलाम, अस्सलाम वालेकुम and hi to everybody. चलो आज हम सीखते हैं pronoun. यहाँ पर लिखा हुआ है pronoun, यहाँ pronoun लिखा हुआ है. Here has written pronoun. What's the mean of pronouns? या pronouns लिखा हुआ है, इसका mean क्या है? The mean of pronouns is in Hindi called सर्वनाम. इसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम और उर्दू में कहेंगे इसमें ज़मीर. उर्दू में कहेंगे इसमें ज़मीर, हिंदी में कहेंगे सर्वनाम. अब सर्वनाम किसे कहेंगे, इसमें ज़मीर किसे कहेंगे? सर्वनाम उसे कहेंगे जो नाम को छोड़कर किसी आवाज से बुलाया जाता है, किसी आवाज से बुलाया जाता है. जरा ध्यान से सुनना, जैसे नाम को छोड़कर किसी का नाम कुछ हो तो नाम को छोड़कर हम कहते हैं ओ ओ अजी, ओ इधर आइए. अब ओ अजी ये जो आवाजें हैं, जो भी आवाज हम नाम छोड़कर कहते हैं वो उन आवाजों को कहते हैं सर्वनाम, उन आवाजों को कहते हैं प्रोनाउन, उसे कहते हैं प्रोनाउन. जो भी नाम छोड़कर जिस आवाज से पुकारा जाता है उस नाम को कहते हैं प्रोनाउन. नाम को छोड़कर किसी भी आवाज से पुकारो उसे कहते हैं प्रोनाउन. लड़का हो तो कहते हैं ओ, लड़की हो तो कहते हैं ओ, कोई बच्चा हो तो कहते हैं ए अजी ओ. तो ये जो सारी जो आवाज है इसे कहते हैं प्रोनाउन. ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन है और प्रोनाउन के अंदर भी इन प्रोनाउन ऑल्सो there are two divisions, there are two parts in the pronouns. Pronouns ke andar bhi do hisse, there are two parts in the pronouns. Pronouns mein bhi do hisse. Number one is a pronoun, pehla hai pronoun, and second is a possessive pronoun. A pronoun ka mana, what's the meaning of pronouns? Pronouns ka mana abhi humne kaha sarvanam, इसे उर्दू में कहेंगे इसमें जमीर. अब पजेसिव प्रोनाउन का माना है संबंध वाला सर्वनाम, इसे उर्दू में कहेंगे शख्सी जमीर. प्रोनाउन के दो हिस्से याद रखना, प्रोनाउंस के दो हिस्से, वन है प्रोनाउंस, सेकेंड है पजेसिव प्रोनाउन. इन दोनों को कॉल किया जाता है प्रोनाउंस, इन दोनों का मिलाकर होता है प्रोनाउंस. प्रोनाउंस का दो हिस्सा है, प्रोनाउंस के भी दो हिस्से. अभी हमने कहा वन होता है प्रोनाउंस, दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन. याद रखना ये नॉलेज है. अब प्रोनाउंस के जो दो हिस्से इसका खुलासा हम देखेंगे. अभी जरा दूर से ये दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा हम इसको जूम करके पढ़ाते हैं. ओके,
चलो इसे हमने जूम कर दिया, अभी देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोनाउंस। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आई, आई का माना मैं, आई का माना मैं, ये है प्रोनाउंस, मैं खुद मैं। अब इसके अंदर पजेसिव प्रोनाउन किसे कहेंगे? मुझसे जुड़ा हुआ माय, माय मीन्स मेरा। पहले हम देखेंगे प्रोनाउंस, मैं, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तू और तुम, तू और तुम, ही मीन्स वो, कोई लड़का हो, कोई आदमी हो या बूढ़ा हो, मर्द आदमी हो, उसे वो कहने के लिए ही यूज करेंगे, ही वो कहने के लिए। और कोई लड़की हो, औरत हो, बूढ़ी हो, फीमेल जो भी हो, उसे वो कहने के लिए शी यूज करेंगे। ये है इट, ये प्रोनाउन का पार्ट है, प्रोनाउंस का पार्ट है। देखो इट, इट मीन्स वो कहने के लिए भी इट यूज करेंगे और ये कहने के लिए भी इट यूज करेंगे। ओके, चाहे वो कहना हो चाहे ये कहना हो, इट का ही इस्तेमाल करेंगे। इट यूज करते हैं बेजान, निर्जीव कहेंगे हिंदी में, और उर्दू में कहेंगे बेजान। बेजान को वो कहने के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेजान किसे कहेंगे? अब बहुत सारे ग्रामर्स के अंदर लिखा हुआ होता है इट इज अ चॉक पीस, ये चॉक पीस है, चलो उसके अंदर जाननी है, चॉक पीस है। कई जगहों पर लिखा होता है इट इज अ बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, इट इज अ ब्लैक बोर्ड, ये बोर्ड है, ये चलो इसके अंदर भी जाननी है, चले चल जाएगा। अभी बहुत से जगह पर हम देखते हैं इट इज अ स्पेक्स, ये चश्मा है, ये भी बेजान है, चलो इट इज अ स्पेक्स बॉक्स, ये चश्मे का बॉक्स है, ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इसी ग्रामर में, कुछ ग्रामर्स में लिखा हुआ होता है, अभी तो ग्रामर कहता है कि इट यूज किया करो बेजान के लिए, बेजान के लिए, बेजान के लिए इट का यूज करेंगे, वो कहने के लिए, ये कहने के लिए। लेकिन उसी ग्रामर के आगे अगर पढ़ा जाए, आगे लिखा हुआ होता है इट इज अ डॉग, इट इज अ डोंकी, इट इज अ एलिफेंट, इट इज अ कैमल, इट इज अ पिग, इट इज अ एंट, इट इज अ हेन, इट इज अ बर्ड, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। फिर स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तो जानदार है, फिर इसके साथ इट कैसे यूज किया गया। तो याद रखना, तो हमारे टीचर्स लोग कहते हैं कि जानवर के साथ भी इट का इस्तेमाल किया जाता है, बेजान के साथ भी यूज करेंगे इट का इस्तेमाल, वो कहने के लिए, ये कहने के लिए, और जानवरों के साथ, जानदार जानवरों के साथ भी इट का इस्तेमाल किया जाता है, वो कहने के लिए, ये कहने के लिए। फिर उसी ग्रामर में आगे पढ़ा जाए तो लिखा हुआ होता है इट इज अ बेबी, इट इज अ बेबी। अब बेबी तो किसी कुत्ते के बच्चे का नाम नहीं होता, बेबी तो किसी गधे के बच्चे का नाम नहीं होता, बेबी तो किसी हाथी के बच्चे का नाम नहीं होता, बेबी तो किसी ऊंट के बच्चे का नाम नहीं होता, बेबी तो किसी मुर्गी के बच्चे का नाम नहीं होता, यस, तो बेबी तो किसी सुअर के बच्चे का नाम नहीं होता, बेबी तो नाम होता है इंसान के बच्चे का, यस, ये समझा जाए बेबी। तो स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज होते कि बेबी अभी ये कैसे हुआ कि ग्रामर ने तो कहा कि बेजान के लिए इट का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यहाँ तो जानवर के साथ यूज किया गया, जानवर के अलावा इंसान के साथ भी यूज किया गया, ये कैसे हुआ? तो याद रखो, इसमें एक चीज हम बताएंगे, बेजान उसे कहेंगे जिसे जानकारी ना हो, जिसे अकल ना हो, जिसे अकल ना हो, जिसे जानकारी ना हो, उसे कहेंगे बेजान। उस बेजान के साथ यूज करेंगे ये और वो कहने के लिए इट। जैसे जानवर इट इज अ डॉग, इट इज अ डोंकी, इट इज अ एलिफेंट, इट इज अ कैमल, इट इज अ एंट, इट इज अ डव, इट इज अ बर्ड, इट इज अ हेन, यस, उसके साथ इट इज अ बेबी। जो बेजान, जिसे अकल नहीं होती, कुत्ते को अकल नहीं होती है, गधे को अकल नहीं होती है, हाथी को अकल नहीं होती है, फिर कैमल को अकल नहीं होती, किसी जानवर को अकल भी नहीं, किसी भी जानवर को अकल नहीं होती, वैसे ही बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा जब दुनिया में आता है, बच्चे को भी अकल नहीं होती, बच्चे को भी अकल नहीं होती, और बच्चा भी बेअकल होता है। बच्चा जब माँ का दूध पीता है, माँ का तबीयत खराब हो जाए, बच्चे को अगर ऊपर का दूध पिलाया जाए तो बच्चा वो भी दूध पी लेता है, गाय का भी दूध पिएगा, भैंस का भी दूध पिएगा, बकरी का भी दूध पिएगा, उसे पता नहीं ये दूध किसका है, ये मिल्क किसका वो पी रहा है, वो पता नहीं, उसे अकल नहीं है,
उसे पता नहीं है मेरी माँ कौन है, मेरे डैडी कौन है, मेरे ब्रदर कौन है, मेरे सिस्टर कौन है, ये क्या रिलेशन है, ये दुनिया कौन सी है, मैं कहाँ हूँ, ये उसे कुछ अकल नहीं है। कब तक उसे अकल नहीं होती? जब तक वो अपने मदर का दूध पीता है। Until when he drink the milk by the mother, till then he is a unknown and ill mind. माइंड का कमजोर होता है, उसे पता नहीं रहता, अकल नहीं रहती। जब तक वो माँ का दूध पीता है तब तक उसे अकल नहीं आती। जब वो माँ का दूध पीना छोड़ देता है, 2 years, 2.5 years, after 3 years, जब 2 साल 2.5 साल या 3 साल तक दूध पीता है, दूध पीना छोड़ने के बाद उसे अकल आना शुरू होती है। जब तक वो दूध पीता है उसके साथ इट का इस्तेमाल करेंगे, छोटे बच्चे के लिए इट इज अ बेबी, दूध पीते बच्चे को ये कहने के लिए इट इज अ बेबी, क्योंकि जानवर में और दूध पीते बच्चे में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए यूज करेंगे इट। देखो याद रखो, ये नॉलेज है, ये नॉलेज मिलेगा सिर्फ और सिर्फ SBS स्पोकन इंग्लिश में। इट्स ओन माई सेल्फ स्टडी, ये हमारी खुद की स्टडी है, ये किसी बुक में आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, ये नॉलेज मिलेगा फिर सिर्फ और सिर्फ इस क्लिप में और SBS स्पोकन इंग्लिश में। ओके, और कुछ दिक्कत पैदा हो तो जरूर अपने ओपिनियन को इस कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आपका आपका कमेंट्स क्या है इस क्लिप के बारे में। ओके, चलो आगे चलते हैं। इट लिखा हुआ है, इट के नीचे देखते हैं दे, ये सारे प्रोनाउंस के हिस्से, आई वी यू ही शी इट दे। अब वो अकेला हो तो ही कहेंगे, अकेली हो तो शी कहेंगे, कुछ जानवर अकेला हो तो इट कहेंगे। अभी हमने कहा बेजान, बेजान के लिए हमने बेजान का खुलासा भी दिया, बेजान का हमने खुलासा भी दिया। फिर एक बात सुन लेना, कुछ एडवांस माइंड लोग होते हैं वो सोचते हैं, सर ने कहा कि अकल ना हो, जिसे अकल ना हो उसके साथ इट का इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत बहुत एडवांस माइंड कंप्यूटराइज्ड आज का पीरियड है तो लोग सोचते हैं कि सर ने तो ऐसे कहा तो पागल के साथ क्या यूज़ किया जाए, लोग सोचेंगे तो पागल को भी अकल नहीं होती, लोग सोचेंगे ना तो पागल के साथ क्या यूज़ किया जाए। देखो पागल को अकल होती है, इसलिए पागल लोग रेलवे ट्रैक पर नहीं सोते, उन्हें पता है ट्रेन आती है हम कट जाते मर जाते। पागल लोगों को अकल होती है, पुलिस वालों से वैक्सीन नहीं करते, खेड़ते नहीं, उन्हें पता है ये पुलिस वाले बहुत मारते हैं। पागल लोगों को पता होता है रोड पर सोने से गाड़ियां आती हम कट के मर जाते हैं। पागल लोगों को पता होता है ये गलीजी है, कीचड़ है, ये गलीजी है, नहीं खा सकते, वो पैसा मांग कर कुछ खाने की चीज़ खाते है। तो पागल के साथ इंसान हो आदमी हो तो ही यूज़ करेंगे, औरत हो तो शी यूज़ करेंगे, ऐसे ही सिंपल। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब ज्यादे हो, ही के अगर ज्यादे हो, ज्यादे मर्द हजरात हो तो उसे वो कहने के लिए दे यूज करेंगे, ज्यादे औरतें हो तो उन्हें वो कहने के लिए दे यूज करेंगे, ज्यादे जानवर भी हो उन्हें वो कहने के लिए दे यूज करेंगे। अब चलो आगे देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है धिस, धिस, धिस का माना ये, धिस का माना ये। अब धिस किसके लिए यूज करेंगे, कोई चीज हो, कोई चीज, एनी वन थिंग इज नियर बाय अस विद इन 10 feet, वी कैन टच इजीली, वी मे टच इजीली टू दैट थिंग, टू दैट कॉल दिस फॉर सेइंग ये। जो कोई चीज हमारे करीब हो जिसे हम आसानी से छू सकते, आसानी से छू सकते उसे ये कहने के लिए दिस यूज करना है। याद रखो जिसे हम आसानी से छू सकते करीब हो उसे ये कहने के लिए दिस यूज करेंगे। ओके, अब उसके आगे लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है दीज, कोई एक चीज हो तो उसे ये कहने के लिए धिस यूज करेंगे, और ज्यादा चीजें अगर हो जिसे हम आसानी से छू सकते तो उन्हें ये कहने के लिए दीज यूज करेंगे, दीज, इसे कहेंगे दीज, दीज, दीज कहेंगे इसे, दीज। ओके, चलो ये क्लियर। इसके नीचे देखते हैं लिखा हुआ है दैट, दैट, दैट का माना है वो, दैट का माना है वो, कोई चीज, एनी वन थिंग वी मे नॉट टच इजीली, दैट इज फार देन 10 or 20 and 25 feet फार देन अस, कोई चीज हमसे 10, 15 या 20 feet दूर हो या उससे भी दूर हो उसे दूर करने के लिए दैट, उसे वो करने के लिए दैट यूज करेंगे।
उसे वो कहने के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे, अकेली चीज हो तो उसे वो कहने के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे, और वही ज्यादा चीजें हो तो यहां पर लिखा हुआ है दोज, दोज कहेंगे से दोज, दोज कहो या दोज कहो, बोथ आर दी सेम, बोथ आर दी सेम, बोथ आर दी सेम, ओके, दोज कहो या दोज कहो अपनी अपनी जबान, वो कहने के लिए दोज यूज करेंगे, दोज ज्यादा चीजें हो तो उसे दोज यूज करेंगे, ज्यादा दूर हो तो, अंडरस्टैंडिंग। और एक बात क्लियर कहना चाहते हैं हम यहां पर, किसी ने सवाल किया, किसी ने हमसे सवाल किया व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो जॉब में यूज करेंगे इट, क्या यूज करेंगे इट, इट इज अ चेयर, इट इज अ स्टिक, इट इज अ स्पेक्स, इट इज अ ब्लैक बोर्ड, जॉब में इट का इस्तेमाल करना, ये इंग्लिश कहता है, ये हमने कहते ये इंग्लिश लैंग्वेज कहती है, क्या कहती है, सवाल करेंगे दिस से या दैट से, व्हाट इज दैट, तो आंसर अगर वहां बेजान चीज हो तो कहेंगे, बेजान चीज हो तो कहेंगे इट इज अ वॉच, इट इज अ चेयर, इट इज अ डोर, इट इज अ विंडो, इट इज अ बाइक, जो भी चीज हो सवाल करेंगे दिस और दैट से, और जॉब देंगे इट से, ओके याद रखना, ओके। चलो अभी देखते पजेसिव प्रोनाउन, ये हमने देखा प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस के सारे हिस्से, ओके अब देखते पजेसिव प्रोनाउन, इट इज अ वन पार्ट ऑफ प्रोनाउन, ये एक हिस्सा है प्रोनाउन का, जिसे कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन मीन्स संबंध वाला सर्वनाम, मीन्स शख्सी जमीर जाती जमीर इसे कहेंगे, ओके अब इसका माना क्या है, अभी हमने देखा इधर हमने देखा आई, आई क्या है प्रोनाउन है, आई के आई से जुड़ा हुआ, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है माए, माए मीन्स मेरा, माए मीन्स से जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या पजेसिव प्रोनाउन, संबंध से, मेरे संबंध में, मेरे मेरा शख्स का है, इसलिए इसे कहेंगे, ये भी प्रोनाउन है लेकिन ये प्रोनाउन का हिस्सा, इसे कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन, ओके। माय मीन्स मेरा, और मुझे कहना हो तो मी, मी मीन्स मुझे, माय मीन्स मेरा, मी मीन्स मुझे, यस। देखो जैसे हमें कहना है कि ये मेरा पेन है, इट इज अ माय पेन, इट इज अ माय पेन, मुझे तो कहना है you me मुझसे जुड़ा हुआ है ना, चलो ये तो इसके नीचे लिखा हुआ है our, our, हमने इसके पहले देखा कि we miss हम, अब हमसे जुड़ा हुआ है our, ये हमारा क्लास है, it is a our class, it is a our class, ये हमारा क्लास है, अच्छा क्लास के अंदर कोई चीज हो हमारी तो हमें दो, कहना तो give us हमें दो, हमसे जुड़ा हुआ है ना, तो इसे कहेंगे ये भी प्रोनाउन का हिस्सा है, इसे कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन, याद रखना, ओके। उसके आगे हमने देखा था यू, अब यू के अंदर योर, योर मीन्स तेरा, तुम्हारा, तेरा कहने के लिए भी योर यूज करेंगे, तुम्हारा कहने के लिए भी योर, ये पेन तेरा है, इट इज अ योर पेन, ये पेन तुम्हारा है, इट इज अ योर पेन, ओके। उसके आगे लिखा है तुझे, यस तुझे तुम्हें, यस ये तुझे दो, ये तुम्हें दो, कहना दो give you, ओके ऐसे यूज करेंगे। चलो आगे देखते हैं, हमने ही देखा था ही के बारे में, देखो ही मीन्स वो, और हीज मीन्स उसका, हीज मीन्स उसका, देखो ये पेन उसका है, इट इज अ हीज पेन, इट इज अ हीज पेन, अब उसे दो give him, उसे दो कहना हो तो give him, ओके ऐसे यूज करना है। उसके आगे हमने देखा था शी, शी मीन्स लड़की, लड़की के लिए, औरत के लिए, वो कहने के लिए हमने शी का इस्तेमाल किया था, या उसे कहने, उसका कहने के लिए, उसकी या उसका कहने के लिए हर यूज करेंगे, ये लड़की उसकी है, दिस इज हर डॉटर, दिस इज हर डॉटर, ओके लड़का रहा तो दिस इज हर
सन ओके, अब उसे दो कहना है तो यू हर उसे दो, उसका उसके कहने के लिए भी हर, उसे कहने के लिए भी हर, ओके ये फीमेल का स्पेशलिटी ओके। चलो आगे देखते हैं, हमने उसके आगे देखा था इट प्रोनाउन में हमने देखा था, अब इट के लिए इट मीन्स वो ये, अब उसका कहने के लिए इट्स यूज करेंगे, इट्स मीन्स उसका उसकी, ये इट्स स्पेशलिटी। देखो उसका भी कहना हो तो इट यूज करेंगे, उसकी भी कहना हो तो इट, अभी हमने इट के बारे में खुलासा दिया था बेजान, इट वो कहने के लिए यूज करेंगे, इट का इस्तेमाल किया जाता है वो कहने के लिए, चाहे कुत्ते को वो कहना हो तो इट 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 इज अ डॉग, चाहे कुत्ते की बीवी हो कुत्ती तो उसे भी वो कहने के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे इट ओके, चाहे गधा हो तो इट इज अ डोंकी, गधे की बीवी भी हो गधी तो इट इज अ डोंकी, उसे भी वो कहने के लिए इट इज यूज करेंगे। जैसे हमने मेल फीमेल के लिए ही शी यूज किया वैसे नहीं, ये दोनों के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे ओके। तो उसका उसके कहने के लिए भी इट्स का इस्तेमाल करेंगे ओके, ये उसका है दिस इज अ इट्स, दिस इज अ इट्स उसका है, दिस इज अ इट्स उसकी है ओके। चलो आगे देखते उसे दो गिव हिम यस, ये इट का यहां पर लिखा हमने गिव हिम, थोड़ा नीचे ऊपर हो गया गिव हिम। चलो इसके नीचे देखते हमने देखा कि दे 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 लिखा हमने, दे मीन्स वो ज्यादों के लिए, वो कहने के लिए हमने दे का यूज किया और वह तो ज्यादों के लिए, और उनका कहने के लिए देयर यूज करना पड़ेगा, देयर उनका, ये पेन उनका है, दिस इज देयर पेन, दिस इज देयर पेन, उन्हें दो यू देम, उन्हें दो गिव देम, दिस इज देयर पेन गिव देम, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो ओके। तो ये था आज का हमारा सिलेबस और चैप्टर। तो चलो बताएंगे हमारे पढ़ाने के बारे में आपकी राय क्या है। इन माई टीचिंग व्हाट्स योर ओपिनियन, प्लीज राइट योर ओपिनियन इन आवर कमेंट्स बॉक्स, प्लीज राइट एंड शो मी योर ओपिनियन, आपके ख्याल जरूर पेश कीजिए इस कमेंट्स बॉक्स में, दिखाइए आपके ख्याल क्या है, और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।